यतिरेत अलंकार, कौन सा अलंकार है? यतिरेत, मतलब पढ़ना भी सीख लो, नाम थोड़े अलग अलग है, श्लेष है ये, इसको क्या बोलेंगे? व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। काव्य में जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ, मतलब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ कहा जाए, तब वहां कौन सा होता है? व्यतिरेक अलंकार। उपमेय उपमान में समझा चुकी हूँ अभी, उससे हम श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, मतलब उससे अच्छा बताया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग, कैसे पढ़ेंगे? राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मतिरंग, निष्कलंक है यह सदा उसमें कहां कलंक। जो राधा का मुख है उसमें कोई भी दाग नहीं है, बट चंद्रमा में तो दाग होते हैं, होते हैं ना, चंद्रमा में तो दाग होते हैं, लेकिन इनके मुख में क्या है? कोई भी दाग नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है? निष्कलंक है यह सदा उसमें सदा कलंक। तो राधा का मुख यहाँ पे कैसा बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है चंद्रमा से, कि चंद्रमा में तो तब भी क्या है? दाग है, पर राधा के मुख में दाग नहीं है। समझ में आया? अगर इस टाइप से कोई एग्जांपल आता है तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, व्यतिरेक अलंकार होता है। अब आता है अनन्वय अलंकार, कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार। काव्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस स्वयं से ही कर दें, अपने आप से ही आपकी कंपैरिजन कर दें, उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे राम से राम, राजा राम से ही राम है, और सिया सी सिया, सिया मतलब क्या होता है? माता सीता, क्या होता है? इनको अपन कैसे बोलते हैं? राम सिया, कैसे बोलते हैं? राम सिया राम या राम सिया, लेडीज पहले आते हैं, लेडीज पहले आते हैं, तो सिया राम, क्या होता है ये? सिया राम है ना। तो राम से राम, सिया सी सिया। भारत के सम भारत है, मतलब भारत के समान क्या है? भारत। जब हम अपनी तुलना अपने आप से कर रहे हैं, प्रतिभासी प्रतिभा है ना, तो आप अपने आप की तुलना अपने आप से ही कर रहे हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय। ना आपको उपमेय से करना है, ना आपको उपमान से करना है, ना कोई गुड़गुड़ आना है, ना कोई वाचक शब्द आना है, इसमें कुछ नहीं आना, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? रूपक अलंकार, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। काव्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का रूप दे दिया जाए, जब किसी व्यक्ति को किसी का रूप दे दिया जाए कि यार तुम तो उसके समान लगते हो, सलमान खान के समान दिखाई पड़ते हो, मतलब तुम्हें उसी का रूप दे दिया, ठीक है ना। तो जब हम किसी को रूप दे देते हैं तो उसे हम कौन सा कहते हैं? रूपक। नाम से भी समझ में आ रहा है, रूपक, रूप है ना। रूपक में से अगर ये का हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? रूप। जब आप किसी व्यक्ति का रूप किसी और को दे दोगे तो वो क्या कहलाएगा? रूपक अलंकार कहलाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब एक गाना है सभी को पता है, पायो जी मैंने, अब एक लड़की ने बोला है मैंने तो राम रतन जैसा धन पा लिया, मतलब उसका जो हस्बैंड होगा वो कैसा है? राम जैसा है। समझ में आ रहा है? उसने अपने हस्बैंड को किसका रूप दे दिया? राम का। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, कि मैंने अपना पति राम जैसा पाया है, तो उसने अपने हस्बैंड को अपने पति जैसा राम जैसा रूप दे दिया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी मैया से कि चंद्र खिलौना, चांद चाहिए उनको खेलने के लिए, उनको लगा के वो क्या है? टॉय है, वो तो छोटे ही थे, उनको लगा रहे हैं तो टॉय है। अपनी मैया से कह रहे हैं मैया मुझे तो ये चंद्र खिलौना ही चाहिए खेलने के लिए, तो उनको वो जो चंद्र मतलब चांद था उनको वो टॉय जैसा लगा। समझ में आया? तो उन्होंने उस चंद्रमा को किसका रूप दिया है? टॉयज का, खिलौने का रूप दिया है। तो श्री कृष्ण ने क्या बोला है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। क्लियर? विदाउट?